सो गाइस देख सकते हो ये ग्लेशियर का व्यू, और ये सिटी के बाहर हम आ चुके हैं। आपको सिटी दिखाया हूँ, और कुछ इस प्रकार से रोड है यहाँ का, बहुत ही प्यारा। और यहाँ के जो खाने हैं वो थोड़ा कॉस्टली है दोस्तों। तो यहाँ से है काउंसिंग सिक्योरिट टर्स्टिंग लेक, देख सकते हो। और ये बाहर का व्यू, वाओ यार क्या गजब के नज़ारे आप देख सकते हो, वाओ। ऊपर ये ग्लेशियर का व्यू आ रहा है, सामने में पहाड़, पूरा ब्लू आपका आसमान, कितना प्यारा व्यू है। आप चाहो तो इस जगह में आकर एंजॉय आप भी कर सकते हो दोस्तों। ले क्या प्लेस है यार, वाओ। इधर देखिए आप, और रास्ते, और ले जगह गजब ही। चलिए और आपको आगे लेकर चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ से कुछ इस प्रकार से सर्चू वगैरह का सब जगह दिया हुआ है, और कुछ इस प्रकार से आप आओगे तो जब देखने को मिल जाएगा आपको रोड। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं ये थ्रिस्ट्री होल का मोनेस्ट्री में, थ्रिस्ट्री या थ्रिस्ट्री बोलते हैं। यहाँ से देख सकते हैं एंट्रेंस है, गाड़ी ऊपर तक जाता है बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस यहाँ से देख सकते हो मोनेस्ट्री का कितना प्यारा व्यू दिख रहा है, देख सकते हो। चलिए चलते हैं। हाँ चल चल सीधा सीधा। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ से मोनेस्ट्री का है रोड है, तो हमें मोनेस्ट्री है, तो चलिए चलते हैं। मोनेस्ट्री जा रहे हैं देख सकते हो। मोनेस्ट्री का देख सकते हो बहुत ही प्यारा लग रहा मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं, चलिए अंदर घुमाते हैं। है गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल छत्तीस राजा। तो दोस्तों अभी फाइनली हम है ले में, और ले से 20 किलोमीटर की दूरी पर है थ्रिस्के मोनेस्ट्री। यहाँ पर पूरा बेंगलुरु बॉयस, कर्नाटका बॉयस और दिल्ली बॉयस अपने साथ ग्रुप राइडिंग करते हुए आगे, और फाइनली यहाँ पर देख सकते हो सामने जा रहे हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं मोनेस्ट्री के अंदर और दिखाते हैं मोनेस्ट्री में क्या क्या है। आपको यहाँ आने के लिए 50 रुपये का चार्ज देना होता है। लगभग ले के आसपास का जितना भी मोनेस्ट्री है चार्जेबल है, 50 रुपीज़ चार्ज, जो कि मेंटेनेंस के लिए लिया जाता है। तो चलिए अंदर चलते हैं और घुमाते हैं। सो गाइस ये मोनेस्ट्री का जस्ट एंट्रेंस है आप देख सकते हो, चलिए अंदर लेकर चलते हैं। और यहाँ पर आपका फूडिंग का, और यहाँ से कुछ मोनेस्ट्री का एरिया भी, चलिए अंदर चलते हैं। अरे मूर्ति वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, चल चल हो गया आपका पाप कट गया, हटो हटो। तो वैसे यहाँ से देख सकते हैं हम इसको एक राउंड मार लेते हैं। यो चलो ऊपर चलो, चलो चलो। सो गाइस जैसे आप डिस्ट्रिक्ट की यहाँ से थ्रिस्ट्री मोनेस्ट्री आओगे तो यहाँ से एरियल भी देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। ग्लेशियर वगैरह यहाँ से दिखाई दे रहा है। चलिए और भी ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और फाइनली 50 रुपये चार्ज देकर अंदर आए हैं।
चलिए और भी जाते हैं, अभी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऊपर में, चलिए फिर से। उल्टा घुमा रहे हैं हम लोग, आप उल्टा घुमा रहे हैं। इंडिया में भी हिंदी की इंग्लिश में लिखे समझ नहीं आता आधा तो। सो गाइस यहाँ से एंट्रेंस है और आसपास का देख सकते हो व्यू, और यहाँ पर एक फ्लैग लगा है जिसमें हजारों करोड़ों मंत्र का उच्चारण इसमें लिखा रहता है एक फ्लैग पे, देख सकते हो। सो गाइस यहाँ मोनेस्ट्री का एंट्रेंस है कुछ इस प्रकार से डिजाइन। सो गाइस देख सकते हो मोनेस्ट्री का कुछ इस प्रकार से बाहरी का व्यू, यहाँ से आप देख सकते हो बहुत ही डिज़ाइन किया गया है, और यहाँ पर डोनेशन बॉक्स के साथ में यहाँ का मोनेस्ट्री का एरियल भी यहाँ से आप देख सकते हो। कुछ इस प्रकार से मोनेस्ट्री का व्यू है, आप आओगे तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, और हम फुल एंजॉय करते हुए मोनेस्ट्री के अंदर में, और देख सकते हो दिस साइड मोनेस्ट्री बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए आपको ऊपर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। सो गाइस यह मंदिर 620 साल पुराने हैं, देख सकते हो यहाँ पर सबको फेस कवर करके रखे गए हैं, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बोलते हैं कि यमराज और बहुत सारे देवताओं के हैं, तो इस वजह से सबको फेस कवर करके रखे हुए हैं। सो गाइस यहाँ से देख सकते हो मोनेस्ट्री में बहुत ही बड़ा इस प्रकार बौद्ध पंडिमा बना हुआ है, देख सकते हो पूरा नीचे तक, और यहाँ से जो व्यू है देख सकते हो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, और पूरा मोनेस्ट्री के अंदर का एरियल व्यू आप देख सकते हो। चलिए अभी आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हो मंदिर का पूरा एरिया भी बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, और यहाँ पर बहुत ही भव्य मूर्ति बनाया गया है, देख सकते हो आप कितना प्यारा, इसे बहुत सारे गॉड के
अंकित किए गए हैं, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मॉनेस्ट्री का व्यू है। सो वैसे यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, यहाँ सब देख सकते हो। जैसे मॉनेस्ट्री के अंदर घूमोगे तो आपको घूमने में 2 से 3 घंटे लगेंगे दोस्तों। इसमें बहुत सारे मूर्तियाँ रखी हुई हैं और गौतम बुद्ध और सख्यामुनि बुद्ध देख सकते हो, बहुत ही सारे यहाँ पर मूर्तियाँ रखे हुए हैं, तो घूमने में बहुत टाइम लग सकता है आपको। और हम पूरा मॉनेस्ट्री में फुल घूमते हुए देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे मूर्तियाँ रखी हुई हैं। चलिए और भी आपको नीचे जाकर दिखाते हैं। सो गाइस हमें देख सकते हो यहाँ पर फोटोग्राफी मॉनेस्ट्री के ऊपर में, वाओ बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। देख सकते हो हमसे कुछ इस प्रकार के बना हुआ है आसपास ग्लेशियर, एरियल व्यू। सो गाइस आप देख सकते हो मॉनेस्ट्री का एरियल व्यू और आसपास के एरियल व्यू दिखाता हूँ आपको मैं। देखो कितना प्यारा एरियल व्यू है, वाओ यार कितना प्यारा जगह है दोस्तों। अगर आप ले आते हो तो यहाँ भी घूमने जरूर आइए। सो गाइस आप मेरे पीछे में देख सकते हो यहाँ मॉनेस्ट्री का लास्ट पॉइंट है जिसके बाद पूरा मॉनेस्ट्री आप घूम सकते हो। तो ये है दोस्तों थिस्के मॉनेस्ट्री का एरियल व्यू। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और मॉनेस्ट्री का भी आप देख सकते हो क्लाउड के साथ कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे अपने लेह के नए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।